पाकिस्तान के इस दिग्गज क्रिकेटर ने किया वनडे से संन्यास का ऐलान। इस दिन खेलेगा आखिरी मैच पाकिस्तानी ऑलराउंडर शोएब मलिक ने वनडे करियर से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है। शोएब मलिक द्वारा एकाएक ये संन्यास के ऐलान के बाद सभी लोग चौंक गए हैं। हालांकि शोएब मलिक अगले साल इंग्लैंड और वेल्स की सरजमी पर होने वाले वर्ल्ड कप 2019 के लिए उपलब्ध रहेंगे। शोएब मलिक ने सोमवार को अपने संन्यास की घोषणा की है और बताया है कि वे वर्ल्ड कप 2019 तक टीम के साथ जुड़े रहेंगे। हालांकि शोएब मलिक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहेंगे और उनकी फिटनेस और फॉर्म बरकरार रही तो बता दें कि शोएब मलिक अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। साल 1999 में शारदाह में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे में डेब्यू करने वाले शोएब मलिक ने इस बात का निर्णय तब लिया जब वे जिम्बाब्वे टूर के लिए लाहौर से रवाना हो रहे थे। बता दें कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के साथ T20 ट्राई सीरीज खेलनी है। उसके बाद पाकिस्तानी टीम को जिम्बाब्वे के साथ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शोएब मलिक ने अपने संन्यास का ऐलान किया। शोएब मलिक ने कहा, वर्ल्ड कप 2019 मेरे लिए 50 ओवर की क्रिकेट यानी वनडे क्रिकेट का लास्ट इवेंट है, लेकिन अगर मैं फिट रहा और फॉर्म में रहा तो T20 क्रिकेट खेलता रहूंगा। शोएब मलिक के वनडे करियर की बात करें तो वे फिलहाल 7000 रन के जादुई आंकड़े से महज 25 रन दूर है। शोएब मलिक ने अब तक खेले 261 मैचों में 35.22 की शानदार औसत से 6975 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 9 शतक और 41 सर्धशतक शामिल हैं। इस बीच उनका हाईएस्ट स्कोर 143 रन रहा है। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो शोएब मलिक ने 261 मैचों में से कुल 202 मैचों में खुद को बतौर ऑलराउंडर अपनाया है। इस दौरान उन्होंने 38.65 की औसत से 154 विकेट चटकाए हैं। बॉलिंग में शोएब मलिक का बेस्ट परफॉर्मेंस 19 रन देकर 4 विकेट रहा है। शोएब मलिक ने साल 2015 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। साल 2007 में जब पाकिस्तान मेजबान वेस्ट इंडीज और आयरलैंड से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी तो इंजमाम उल हक की जगह शोएब मलिक को टीम की कमान सौंप दी गई। बाद में चलकर शोएब मलिक ने सभी फॉर्मेट के 56 मैचों में कप्तानी, जिसमें से उनको 36 में जीत वहीं 18 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं साल 2015 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने वाले शोएब मलिक से जब पूछा गया कि क्या वो टेस्ट क्रिकेट को मिस करत हैं तो उन्होंने कहा, खिलाड़ी को तब तक टेस्ट खेलना चाहिए जब तक वे खुद को इस लायक फिट नहीं समझता, क्योंकि ये फॉर्मेट 5 दिन चलने वाला है। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की लव स्टोरी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में हुई जब वे एक रेस्टोरेंट में मिले। सानिया मिर्जा ने ऑटोबायोग्राफी एस अगेंस्ट आज में शोएब मलिक से मुलाकात और फिर शादी के बारे में जिक्र किया है। वहीं अगर दोनों की शादी की बात करें तो शोएब मलिक ने अपनी पहली पत्नी आयशा सिद्दीकी हैदराबाद को तलाक दिया क्योंकि उनको सानिया मिर्जा से शादी करनी थी। आखिरकार साल 2010 में 12 अप्रैल को शोएब और सानिया ने हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में इस्लामिक वेडिंग सेरेमनी के अनुसार निकाह किया।